दुनिया की आबादी 800 करोड़ पार कर चुकी है, लेकिन अभी भी 360 करोड़ लोगों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध नहीं है। भारत में भी शौचालय के क्षेत्र में काम होने के बाद भी अभी भी 5 में से 1 व्यक्ति के पास शौच की उचित व्यवस्था नहीं है। देश के कई राज्यों में शौचालय की स्थिति संतोषजनक नहीं है। तो आइए जानते हैं कि शौचालय के पैमाने पर देश के राज्यों का हाल कैसा है। नमस्कार, हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं आकाश सिंह। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के गाँव में हर घर में शौचालय बनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, मगर अभी भी देश के 19% लोगों के पास शौचालय नहीं है। शहरों और ग्रामीण आबादी में अंतर बहुत ज़्यादा है। जहां शहरों में शौचालय के इस्तेमाल ना कर पाने वाले लोगों की तादाद 6% है, वहीं गाँव में हालात बहुत खराब हैं। देश के गाँव में हर चौथा व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल नहीं करता है। देश की कुल आबादी के 69% लोगों के पास निजी शौचालय है, वहीं करीब 8% आबादी सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करती है। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो NFHS 5 के सर्वे के अनुसार लक्षद्वीप के हर घर में शौचालय है, वहीं 99% से ज़्यादा शौचालय इस्तेमाल करने वाले राज्यों में मिजोरम, केरल, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, दिल्ली, लद्दाख, त्रिपुरा शामिल हैं। बिहार में देश के सबसे कम शौचालय का इस्तेमाल होता है और इसके बाद झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। दक्षिण भारत में अन्य स्वास्थ्य मानकों के साथ साथ शौचालय के इस्तेमाल में भी बाकी राज्यों से बेहतरी देखने को मिलती है, जहां केरल में 99.98%, तेलंगाना में 88%, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में शौचालय इस्तेमाल का स्तर देश की औसत से बहुत बेहतर है। NFHS 5 का सर्वे बताता है कि देश में शौचालय की उपलब्धता पैसों के साथ बढ़ती जाती है। देश के सबसे कम गरीब लोगों में 3 में से 1 व्यक्ति को ही शौचालय उपलब्ध है। सर्वे बताता है कि आर्थिक सामर्थ्य बढ़ने के साथ साथ शौचालय इस्तेमाल करने का भी स्तर बढ़ जाता है। हालांकि हर उपभोगी वस्तु के साथ यही संबंध देखने को मिलता है, लेकिन शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी पैसों का अभाव आड़े आना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे किसी और किस्से के साथ, सुनाएंगे कोई और दास्तां। तब तक देखते रहिए जे हिंदुस्तान डिजिटल।